हेलो स्टूडेंट्स, सो हमारे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को। यूजुअली हम जो बात करते हैं वो एक्टिव वॉइस में करते हैं, तो जब भी हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, हम पैसिव वॉइस में बात क्यों करते हैं? हम पैसिव वॉइस में बात जब करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा इम्पॉर्टेंस, ज़्यादा एम्फेसिस दिखाना होता है, उस समय हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। दोनों ही एक्टिव में पैसिव में सेंटेंसेस का मतलब जो होता है वो सेम निकलता है, बस उन्हें कहने का तरीका अलग होता है। किसी में सब्जेक्ट पे जोर दिया जाता है तो किसी में ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब हम पिछली वीडियोस में हमने क्या किया है, जब हमने एक्टिव पैसिव वॉइस का टॉपिक स्टार्ट किया था, हमने थोड़े जनरल रूल्स देखे थे और टेंस बाय टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया पिछले वीडियोस में, इन वीडियोस में हम पास्ट टेंस करेंगे और फिर फ्यूचर टेंस। इस तरीके से हम जानेंगे टेंस बाय टेंस कि किस तरीके से आप हर एक टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव टू पैसिव इजीली चेंज कर सकते हो। क्लियर? अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस। पास्ट इनडेफिनेट टेंस में सबसे पहले एक टेबल देखेंगे हम कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस के एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला क्या होता है और फिर उसको पैसिव वॉइस में हमें कैसे बदलना होता है। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है? सबसे पहली तो क्या होती है कि जो भी सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर वो पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर वो पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज़ हमने पहली ध्यान रखी। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है कि एक्टिव वॉइस में कोई सी भी वर्ब की फॉर्म लग रही हो, डजेंट मैटर, जब आप पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाओगे। क्लियर? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है हमको कि जो भी मैंने एक फर्स्ट जनरल रूल्स में बताया था कि जो भी सब्जेक्ट होता है, जैसे आई जो होता है वो मी में चेंज हो जाता है, शी जो होता है हर में चेंज हो जाता है, ही होता है हिम में चेंज हो जाता है, सिर्फ इट और यू जो है वो एक्टिव और पैसिव दोनों में सेम रहते हैं। ये कुछ चीजें थी जो हमें ध्यान रखनी है। अब हम एक रूल देख लेते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में पास्ट इनडेफिनेट का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंपल सा होता है, पर जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस के अंदर तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे देखो, जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का वो हो गया ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट, देन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस के अंदर वो हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट में कन्वर्ट, मतलब यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ बन जाएगा ऑब्जेक्ट और यहाँ का ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म। अब हमें याद रखना है कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी पैसिव वॉइस में वो यूज होगी वाज और वर्ब, वर क्या है ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और बाय का यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय, देन कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी तरीके से जब आपको इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस के अंदर नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय हम डिड नॉट यूज करते थे, और इसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब जो हमारा वॉज वर है उसके साथ नॉट यूज करेंगे, डिड यूज नहीं करेंगे। इधर लग रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की फॉर्म तो याद ही नहीं करनी है, पैसिव वॉइस में हर एक टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लग रही है, सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद रखने हैं कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ यूज हो रही हैं। क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर क्या होता था कि हम जो डिड था, जो भी हेल्पिंग वर्ब यूज करते थे वो सब्जेक्ट से उठा के पहले लगा देते थे और लास्ट में ऐड कर देते थे क्वेश्चन मार्क। इसके अंदर क्या करना है, सेम चीज करनी है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज है तो यहाँ पे वही चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे और वाज वर्ब को उठा के कन्वर्टेड जो ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट है उसके पहले पुट कर देंगे। वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, कन्वर्ट सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड देन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अब ये तो हमने एक टेबल देखी कि किस तरीके से जो बेसिक रूल है चेंज करने का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के अंदर। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है सारी चीज़ें एक समरी करके। सबसे पहली चीज़ कि नीचे दिए गए जितने भी ये मैंने रूल्स जो आपको दिखाए हैं पास्ट इनडेफिनेट टेंस के, तो उन्हें जब भी हम पैसिव वॉइस के अंदर बदलेंगे तो वॉज वर्ब के साथ क्या लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे पहला पॉइंट जो कि हमें याद रखना है, वॉज वर हेल्पिंग वर्ब लगेगी और इसके साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर?
दूसरी चीज कि पास्ट इनडेफिनिट एक्टिव वॉइस में जो नेगेटिव सेंटेंसेस थे और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उनमें किसका यूज हो रहा था, उनमें यूज हो रहा था डिड का. पर जब हम इनको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे थे तो हमारी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर ही यूज हो रही थी, डिड यूज नहीं हो रही थी. क्लियर? ये वाला था हमारा सेकेंड पॉइंट. तीसरा पॉइंट हमें क्या याद रखना है कि जब भी हम कोई भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो यूजुअली हमारा जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो जाते हैं. तो हमें हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो पैसिव वॉइस के ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे. अगर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी. ये बात ध्यान रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. क्लियर? अब नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट ऐड कर दिया. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या किया, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ऐड कर दी. ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमें याद रखने हैं हमेशा सेंटेंस फॉर्म करते टाइम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के. तीसरी चीज़ क्या है और लास्ट चीज़ ये है कि जो पैसिव वॉइस के वाक्य होते हैं, जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, उसमें पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, कोई सा भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी. क्लियर? तो ये तो हमने जाना फॉर्मूला के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें एक्टिव टू पैसिव चेंज करते टाइम काम आएंगी. अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि किस तरीके से हम इन्हें चेंज कर सकते हैं. सो हियर वी गो. उसने सांप को मारा. तो मारा, अपना, किया, दिया, लिया, चुना, गया, इनसे पहचान होती है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस हैं. क्लियर? तो क्या था इसका फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म और फिर प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे लिखा ये तो है हमारा सब्जेक्ट, ये लगाई वर्ब की सेकेंड फॉर्म किल्ड, और अ स्नेक जो है वो यहाँ पे है ऑब्जेक्ट. अब हमें जब भी इसको पैसिव में चेंज करना था तो हमने क्या कहा था कि जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है स्नेक जो यहाँ जाके बन जाएगा सब्जेक्ट. अ स्नेक बन गया सब्जेक्ट. वॉज वर लगाना है एज हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट के, तो हमने लगाया वॉज. अब हमने यहाँ पे वॉज क्यों लगाया, सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि हमारा, और हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगी. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, और यहाँ पे लगाया हमने हर. यहाँ पे हर क्यों लगाया, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट था इधर वो था शी, तो शी जब भी पैसिव वॉइस में चेंज होता है तो वो हर में बदल जाता है. क्लियर? अगला देखते हैं. विद्यार्थियों ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया. तो द स्टूडेंट्स डिड नॉट कम्प्लीट देयर होमवर्क. अब इसको हमें जब चेंज करना है, ये क्या है, यहाँ पे है सब्जेक्ट. डिड नॉट यूज करते हैं हम नेगेटिव में बनाते हैं जब भी सेंटेंसेस को. हमने ऊपर देखा था हेल्पिंग वर्ब डिड यूज होता है और उसके साथ में नॉट यूज होता है. तो कम्प्लीट देयर होमवर्क. अब कम्प्लीट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और देयर होमवर्क क्या है, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट. अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ पे बना देंगे सब्जेक्ट. तो देयर होमवर्क यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट. अब देयर होमवर्क के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. तो यहाँ पे यूज हुई वॉज हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट. वॉज वर्ब के साथ ही नॉट लगेगा नेगेटिव सेंटेंस में जब भी आप पैसिव वॉइस बना रहे हो. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड. तो वर्ब की यहाँ पे लगाई थर्ड फॉर्म, एंड देन By the students, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट था, ये यहाँ पे आके बन गया ऑब्जेक्ट. क्लियर? भारत ने भूतकाल में गरीब देशों की मदद की. तो इंडिया हेल्प्ड पुअर कंट्रीज इन पास्ट. सब्जेक्ट है इंडिया, हेल्प्ड हो गई वर्ब की सेकेंड फॉर्म, पुअर कंट्रीज इन पास्ट हो गया ऑब्जेक्ट. अब जब भी इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा यहाँ पे आके सब्जेक्ट. तो पुअर कंट्रीज, अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगेगा, ना कि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वर्ड, देन हेल्प, हेल्प की थर्ड फॉर्म लगाई हेल्प्ड, दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय इंडिया इन पास्ट. तो बाय इंडिया, इंडिया जो यहाँ पे है वो हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था, एंड इन पास्ट हो गया रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस.
आगे देखते हैं। सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट से संन्यास लेना चुना। सचिन तेंदुलकर ऑप्टेड रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट। सो सचिन तेंदुलकर है यहाँ पे सब्जेक्ट, ऑप्टेड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट। तो रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है। अब रिटायरमेंट फ्रॉम द क्रिकेट पैसिव वॉइस में जाके सब्जेक्ट बन जाएगा। रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट वॉज, वॉज किसके अकॉर्डिंग लगाया हमने, हमारे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग हमने लगाया वॉज। ऑप्टेड दैट इज वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और फिर सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर एक्टिव वॉइस में क्या था, सब्जेक्ट था, पैसिव वॉइस में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। इसी तरीके से क्या उसने सही निर्णय लिया, डिड ही मेक अ वाइज डिसीजन। सो जब भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर पास्ट इंडेफिनेट में, तो हम डिड लगाते हैं, तो डिड ही मेक अ वाइज डिसीजन। बट जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो हम डिड की जगह क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वॉज अ वाइज डिसीजन मेड बाय हिम, और एंड में लगेगा क्वेश्चन मार्क। क्लियर। उसने खेल को बहुत दिया, He gave so much to the game. अब यहाँ पे he है subject, gave है verb की second form, so much to the game क्या है यहाँ पे, object. तो यहाँ पे जो object होता है the game, वो यहाँ पे आके बन जाता है subject. Was, क्योंकि यहाँ पे जो game है वो plural singular है, इसीलिए was. Given, verb की third form, so much by him. बाय लगाया और यहाँ पे लगाएंगे हिम, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो था वो था ही, तो ही जब पैसिव वॉइस में जाता है तो वो हिम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। इस तरीके से हम पास्ट इनडेफिनेट सेंटेंसेस को इजीली पैसिव वॉइस के अंदर चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑल ऑफ दीज फॉर्मूलाज एंड बाय कंसिडरिंग ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड। इसके अलावा बाकी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें से हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से रिलेटेड है, कि किस तरीके से हम एरर स्पॉट कर सकते हैं उन क्वेश्चंस के अंदर। थैंक यू।